प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहन भाई अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ ठीक ठाक होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सभी बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे और आप सदा हंसता मुस्कुराते रहें। इस दुआ के साथ अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ वीर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, साथ में घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अगर साड़ी आज की वीडियो साड़े बहन बहन अच्छी लगी, इसमें लाइक और शेयर करी होती है, अपनी आज की वीडियो कर दें शुरू। तो अब्बू जी वास्ते असी देसी मुर्गा पकड़े करन लगे हैं। तो मुर्गे पहले तो लभद नहीं पे, मुर्गे छां थे कणक जी वी पई है, उतों दाने खा रहे थे। ये मुर्गा जो मुर्गा सी कुछ दिन पहले ले आया, तो हूँ इसन पकड़ के जिब्बा कर लगे। तो फिर अब्बू जी ने ऐसा देसी मुर्गे का शोरबा बना के दिने। असी हमने आए हैं तलियां वाड़ते, मजदूर भाई जी उन्हें कणक पा दी, कणक पा रहे जी गिरी हुई तलियां आ। फिर असी उसनों दाती की मदद वाड़ लेंगे, तो वाढ़ के फिर थब्बे बना देंगे, फिर मजदूर भाई इस तरह भरिया पाई जाते हैं। तो नहीं तो फिर हूँ फिलहाल पहला पकड़िए मुर्गा, तो फिर बनाने सालन। अम्मी जी ने लसन प्याज सब्जी मिर्चा और टमाटर कट ले, तो हूँ असं बना लगे हैं सालन। तो सालन और बोल करके बनावे, अम्मी जी सालन खुद बना रही है अब्बू जी उन्होंने वास्ते। तो दूसरा अम्मी जी गोश्त नरम ही अज मुर्गा तो पहले अच्छा खा लिया, नहीं उस तरह नहीं इस तरह बनाओ सालन पसंद है। उस दिन अम्मी जी बाबजी ने बनाया सी बलेला, ते बाबजी जी ने लसन जेड़ा है ओ तड़के पा लिया सी, ते लेकिन कुट के पाया सी फेस बना के सारे बहन भाई ये कहंदे कि तुसी किस तरह सालन बनाउंदे आ, तुसी कोई नहीं है के पांदे आ गए, ते तुसी की ओ बाल से पांदे आ। ते मैं कहो चलो कुट के पा लिया करदे, सारे कुट के पा दे ओ से आदमी के ना मगर लख देर ने। हां जी दूसरा चाय बन गई हुई पीने चाय दोपहर दी। हाँ जी अम्मी जी लसन प्याज टमाटर सब्जी मिर्चा अ बोल करने वास्ते रख दी चूल्हे उपर देसी पा के। हूँ अम्मी जी जो गोश्त मैं मुर्गा जीबा करके उसकी कटाई करके पीसिस बना लिया से। अम्मी जी हूँ वाश करते पे, पहले भी वाश किया, लेकिन अम्मी जी खुद वाश करते पाए। हूँ अम्मी जी तुसी अब्बू वास्ते गोश्त खुद बना लगे जी, अब्बू जी ने कहा गोश्त बनायो? नहीं हाँ जी मैं क्या आपके हजे काम करना, दूसरा तो लेट हो जाना ना। हाँ जी अब्बू कहते मैं सौख लगी है तो मैं लेट हो जाऊंगी, तो मैं क्या शायद अम्मी जी आज अब्बू जी ने कहा भाई, अम्मी जी ने कहा कि मैं अब्बू जी वास्ते खुद सालन बनानी है। नहीं क्या तो कुछ नहीं है, मैं तो सौख लगी है तो आपके लेट हो जाएंगे। हाँ चलो काम कर, चलो तुसी खुद बना लो समा बेहतर है, चलो भाभी वास्ते निके निके काम कर रहे तो चलो सालन बना लो। हाँ जी मेरा गेट उन्होंने इतने रखे हुए, मैं कहना रंग करके ना तेनों मेरा छोटा मकान नहीं है जो बनाया भैड़ा बकरी का उस रख दीए, तो मैं सुबह रंग लैके आऊंगा रंग मार लीए, रंग मार के उत्थे रख लेंगे, फिर जितने जरूरत हो जाए बेच गया तो बेच लाँगे, नहीं तो फिर कितने लगा देंगे। हाँ जी हाँ जी अच्छा नहीं ये भी ना इन रंग मार्क रखता है, तो फिर ना कि लगा लागे या दो पले ये है पले बारा जहा नहीं रहा फ्रेम वो बाहर निकाल के ना फ्रेम तो यदा चगाट फिट करा रही है इसनों। हाँ जी तो हाँ जी असी नमक पा दिता है, लसन प्याज टमाटर साढ़े
ਅਬੋਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਸਾਲੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ बकरे का मंगा सब तो बेहतर मुझे सुख लगे फिर लगने पैसे बकरे का बेस्ट बकरे का ला लगे बकरे गोश्त नहीं अच्छी तरह अंबोल करके फिर भी पावे पाउडर मसाले पाउडर मसाले पा के बजगी पा ना देसी घी बनना जबरदस्त चूल्हे च अग जलाई सी असी पहला चाय बनाई और उस तू बाद मसाले बनता पे जेडे चूल्हे ची गारे कोले वो चिलम च पा ले निका जहा अच होर बन लेंगे होर पा लांगे ते गोश्त साडा हजे नरम नहीं होयागा जो अच्छी गोश्त साडा नरम हो जाए फिर पावे पाउडर मसाले दे विच गोश्त नरम हो गया कि नहीं अच्छा पाउडर मसाले पा देने सिर्फ मैं हीरा पाउडर ददरी मिर्च सफेद जीरा हल्दी पाउडर नमक दालचीनी दो तीन टुकड़े ते मैं आ मोटले च चीज है विच ये बस मसाले जो रोटी अच्छा लेके आऊंगा मैं पाउडर मसाले पा लिया हांडी जी अच्छी तरह मिक्स कर लेने हूँ इस मैं लगता 5 मिनट पकाना पड़ेगा तो उस तू बाद फिर आप घी पावे ना पानी खुश्क हो गया जो माशाल्लाह साडा गोश्त नरम हो गया बे तो हूँ असं देसी घी जो गर्म करके रखे हुआ देसी घी में पा लेने घर का खास देसी घी है माशाल्लाह तो इस नाल गोश्त का सेका बहुत प्यारा हो जाता है अगर कुछ हो गया मासा कोठे का पीला कर लिया नहीं तो वैसे इन्हें शौकना देसी मुर्गे का गोश्त ही शौकना खाईदा लेकिन स्पेशल अब जी वास्ते बनाया तो अब जी उन्हें खाने तो उस तो लगता फिर देसी मुर्गे और पता करूँ वो मिलगी तो बेहतर ना मिली तो फिर दूजे वास्ते बलेला ले आवेंगे तो अच्छे बच्चे घर खानी है मोहम्मद मोजी भी अजवेर में गया हुआ इस टाइम कड़क तो मैं ना मेरी कलेजी होगी होगी ना फ्राई थोड़ी कलेजी का थोड़ा मसाला निकाल दो बस थोड़े प्लेट ना मैं थोड़ी रोटी खा लाँगा मैंने भूख लगी थी बाद में कड़क धनिया बड़े ज्यादा चलना है थोड़े पानी गाफ जाकर डाल लाँगे धारा टाइम ला जाएंगे अच्छा जी तो घी पा लिया फिर 5 मिनट सू बनाई करनी पै गोश्त की नरम तो हो गया फिर जो अच्छी तरह पाती है बनाई होगी तो फिर पानी पा लेंगे पानी पाने खाने थोड़ा हाँ जी अबू जी कुछ हो गया अबू जी पसंद करते कुछ हो गया बना लो अबू जी वास्ते बूटे नहीं कर रहे चार पाँच तो बकैर सा गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो गया हम अभी गोश्त पा लेंगे पानी गोश्त गर्म गर्म अबू जी होंगे खाने वास्ते तो ज्यादा ऐसे भी नहीं करनी है क्योंकि अबू जी शोरबा असी पानी पा लिया जिन्ना शोरबा बना बना रहे हम अच्छी तरह पानी तक जाएगा कुछ पानी बिचो खत्म हो जाएगा सुख जाएगा कुछ बच जाएगा कैसे भी बहन भाई मेरे साढ़े बेटे देखते हैं मेरे अबू जी वास्ते दुआ करे कि अल्लाह जी मेरे अबू जी ने सेहत और तंदुरुस्ती दे क्योंकि माँ बाप ने जिंदगी दे बाहर आया बकरे का लिया माशाल्लाह जी माशाल्लाह साडा देसी मुर्गा बिल्कुल तैयार हो चुका है ते शाम दियां रोटियां भी बन चुकियां हैं ते अबू जी ने शाम का खाना दे दिता अबू जी ने खाना खा लिया मैं और भैजू गए सी तलियां नू कणक दियां वड्डन हुणे ही आए हैं ते हुण आके धारा जिहड़ियां ने ओह निकाल लैंदे हैं धारा निकाल के बिमारू पानी पिलाउंदे हैं ते फिर कुछ पट्ठे कुत्तणा रहिंदे हैं उह वी कुतर लैंदे हैं ते फिर
मालूम बाद एक दफा पाने भी है क्योंकि यही अगर पांच दस दिन बना साढ़े ज्यादा काम का जोर आ फिर उस तो बाद काम कर अगली रूटीन से आ जाना जब तक करने का माशाल्लाह कुछ नहीं होता काम कर सामने कुछ नहीं करना अल्लाह करे सही सलामत करो चक लिए आंटे की कहने बेटा गोश्त चांडे कौन पाउंदा मेरा सोनी जान है कमीज तारी हुई है तुम गर्मी लगती थी अच्छा फिर ते शाम वास्ते दूध गर्म होने वास्ते भाग जी रख दिता है ते राती सोने बड़ी प्यारी नींद आती फिर ते शाम का खाना बिल्कुल बन चुका है ते हुण पानी पूनी भी कप्पां च पा के रख लिया है क्योंकि बकाया ने खा लिया मैं और भाई जवेद अम्मी और बाबू जी रहिंदे आ ते मोइज़ और अबू जी खाना खा चुके हैं फियाज भाई और हिबा जी रास्ते चा वो तकरीबन 15-20 मिनट तक पहुँचने तक असी खाना खा लेना है ते फिर बाद जरा काम कार साडा रहिंदा फिर काम कार शुरू हो जाएंगे तक भी आ जाएंगे ते हुण खाना खा लिए आज की साड़ी वीडियो इतने तक ही जो साड़ी वीडियो साडे भैणां भाई अच्छी लगी असीं लाइक और शेयर करियो ते कल फिर मिलेंगे एक नवी वीडियो दे नाल तक अपना और अपने प्यारियां दा बहुत सारा ख्याल रखियो ते अपनी आवाज़ भी नूं रखियो दुआवां च याद अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान।